कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। इस वीडियो में बुद्धिज्म के जो व्हीकल्स हैं, जैसे कि हिनायन हो गया, महायन हो गया, वज्रायन हो गया, इनमें क्या फर्क है, ये कैसे उभरे हैं, इनके बारे में बात करूंगा। देखिए, थेरावाड़ा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म आपने सुना होगा, जो थेरावाड़ा सेक्ट है और ये जो हिनायन सेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक है, तो थेरावाड़ा हिनायन, चूंकि आज की डेट में क्या हो गया कि हिनायन अब ज्यादा कंट्रीज में की एग्जिस्टेंस में है नहीं, बहुत सी कंट्रीज से बिल्कुल विलुप्त हो चुका है हिनायन। तो जिन जिन कंट्रीज में भी जो सेक्ट है वो है थेरावाड़ा, और उस थेरावाड़ा को ही कुछ लोग हिनायन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म भी बोल देते हैं। तो यहां हम बात करेंगे हिनायन, महायन और वज्रायन सेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको यह समझना पड़ेगा कि देखिए, बुद्धा ने अपनी टीचिंग को डेकेड्स तक पढ़ाया है, कई सालों तक उन्होंने जो भी कुछ भी था पढ़ाया है। उसके बाद उनके डिसिपल्स, जो उनके सबसे क्लोज डिसिपल्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो उनके क्लोज डिसिपल्स का यूनियन था उसको संघ बोलते थे, उन्होंने भी कुछ पढ़ाया है। तो ऑब्वियसली बात है, जिन जिन लोगों ने भी बुद्धिस्ट टीचिंग ली वो बहुत ज्यादा थे, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को टीचिंग दी। तो क्या हुआ कि भले ही वो टीचिंग्स आपकी बुद्धा से ओरिजिनेट हुई, बट वो इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड हुई कि अलग अलग लोगों ने उनके अलग अलग मैनिफेस्टेशंस निकाले। और ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारे लॉर्ड बुद्धा थे वो एक एक इंटीग्रेसी तो बता के गए नहीं थे, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई एक लर्नड मैन, एक समझदार इंसान अपने आप जो मैं बता रहा हूं उसका इंटरप्रिटेशन निकालेगा। तो कभी कभी जो इंटरप्रिटेशन निकले हैं बुद्धिस्ट टीचिंग के, भले ही वो सेम टीचिंग रही हो, अलग अलग निकले हैं। उस वजह से ये जो बुद्धिज्म था ये बहुत सारे सबसेक्ट्स में बटा था। इसके लिए आपको समझने के लिए सबसे पहले पता फ्रेंड्स क्या समझना पड़ेगा, थर्ड काउंसिल। अभी देखिए, जो काउंसिल वाली वीडियो है जिसमें मैंने आपको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कुछ फैक्ट्स बताए थे। एक फैक्ट तो मैंने आपको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में यह बताया था, जो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी 250 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, उसमें मैंने आपको यह बताया था फ्रेंड्स की पहली बार अभिधम्म पिटाका को एस्टैब्लिश किया गया। अभिधम्म पिटाका का जो डिस्कशन था वो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में भी हुआ था, बट एस्टैब्लिश पहली बार जो अभिधम्म पिटाका हुई थी वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई थी। ठीक है, फिर एक सेक्ट निकल के आया था, ठीक है, और वो सेक्ट का नाम था स्थविरास था उस सेक्ट का नाम। ठीक है, तो ये जो स्थविरा या स्थविरड़ा कुछ भी बोल लीजिए, इसको थेरावाड़ा भी कहा जाता है। तो ये जो थेरावाड़ा निकला था ना फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से निकला था, ये आपको समझना पड़ेगा, और वहीं से आपका निकला हिनायन। अब जब आपको ये समझ में आ गया कि जो थेरावाड़ा ट्रेडिशन था बुद्धिज्म का, ये निकला आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक समय ऐसा आएगा कि एक ग्रेटर व्हीकल निकल के आएगा जिसका नाम है महायन, और उस ग्रेटर व्हीकल की वजह से एक लेसर व्हीकल निकल के आएगा जिसका नाम है हिनायन। तो जो महायन है उसको आप ग्रेटर व्हीकल भी बोलते हो, व्हीकल लिख देता हूं, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, VHICLE, और जो आपको महायन है, सॉरी हिनायन है आपका स्मॉलर व्हीकल। तो हिनायन है आपका स्मॉलर व्हीकल, महायन है आपका ग्रेटर व्हीकल। और वज्रायन में क्या हो जाएगा, वज्रायन में जब आप महायन टीचिंग्स में तंत्र मंत्र को जोड़ देंगे, जिसको तंत्रायन भी बोलते हैं, तो फिर वो बन जाएगा वज्रायन। तो वज्रायन को आप तंत्रायन भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग थेरावाड़ा से और हिनायन से। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में इसकी शुरुआत हुई थी। हुआ ये फ्रेंड्स कि जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल खत्म हुई, प्रिसाइड किसने किया था उसको, मोगालीपुत्र तिस्सा ने। तो क्या हुआ कि उस काउंसिल की सारी टीचिंग्स को कंपाइल किया गया, और उन टीचिंग्स को कंपाइल करने के बाद उसका जो एक एडिशन था उसको श्रीलंका भी भेजा, और ये सब काम आपका अशोक ने करवाया था, क्योंकि अशोक के एम्परशिप में हुई थी ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो जब वो जो कलेक्शन ऑफ सूत्रास था, जो भी कलेक्शन था उस पूरी काउंसिल का जो जिस्ट था, श्रीलंका पहुंचा, तो ज्यादातर तो पाली लैंग्वेज में था, और जो पाली लैंग्वेज नहीं भी था उसको पाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, उसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब उसमें बहुत से मोनास्टिक रूल्स भी थे, सब कुछ था, लेकिन जो सबसे एक इंपॉर्टेंट टीचिंग थी आपकी हिनायन ट्रेडिशन में, या आप कह सकते हो थेरावाड़ा ट्रेडिशन में, वो थी अरहत की। अरहत मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, कि मतलब जो भी पूजा कर रहा है, जो भी अपने आप को बुद्धा बनाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को अरहत बनाने की कोशिश करेगा। अरहत बनाने की कोशिश क्यों करेगा, क्योंकि भाई एग्जैक्ट बुद्धाहुड पाना इम्पॉसिबल है, ऐसा मानना है आपके किस ट्रेडिशन के लोगों का, हिनायन ट्रेडिशन के लोगों का या थेरावाड़ा ट्रेडिशन के लोगों का। तो इस ट्रेडिशन के लोगों का मानना यह कि भाई एग्जैक्ट बुद्धा जैसा बनना तो भैया इंपॉसिबल है, तो एग्जैक्ट बुद्धा जैसा बनने के बजाय
अरहत बनने की हम कोशिश करते हैं, ये बोला गया। ठीक है, जो फोर नॉबल ट्रुथ्स बताए थे ना बुद्धा ने, उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं थेरावाडा ट्रेडिशन में, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया फ्रेंड्स कि जो हिनायन ट्रेडिशन है वो अब ज्यादातर कंट्रीज में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कुछ भी है वो थेरावाडा ट्रेडिशन ही है, थेरावाडा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है, और बहुत सारे लोग उस थेरावाडा ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म को ही हिनायन सेक्ट भी या हिनायन व्हीकल भी बोल देते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें वो मेन कंट्रीज जहां पे ये थेरावाडा ट्रेडिशन अभी भी चल रहा है, तो एक तो हो जाएगी आपकी श्रीलंका, एक हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी थाईलैंड, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बगल में ही है लाओस, और पास ही में है आपकी बर्मा जिसको आप म्यांमार भी बोलते हो। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं फ्रेंड्स जो अभी भी आपकी थेरावाडा ट्रेडिशन को फॉलो कर रही हैं। थेरावाडा ट्रेडिशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, अरहत बनने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से बुद्धा बनना इम्पॉसिबल है, फोर नॉबल ट्रुथ्स को ये पूरी तरीके से मानते हैं और स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं ताकि इनको निर्वाण मिल सके, यानी कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सके, हमें निर्वाण मिल सके। तो इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग जो थेरावाडा या हिनायन सेक्ट को फॉलो करते हैं। तो ये तो था आपका थेरावाडा बुद्धिज्म, जो मेन बात थी थेरावाडा बुद्धिज्म में और या फिर हिनायन सेक्ट में। जब अभी आपके सामने जब ये चीज आएगी ना फ्रेंड्स कि भाई हिनायन और महायान में एग्जैक्टली फर्क क्या आया, ये सवाल आपके पास एंड में निकल के आएगा। तो जब आपके पास ये सवाल एंड में निकल के आएगा कि भाई हिनायन और महायान में फर्क क्या है, तब यहां पे अरहत वाला कॉन्सेप्ट फर्क बनेगा। चूंकि थेरावाडा बुद्धिज्म में ये बोला गया है कि भाई अरहत बनेंगे, क्योंकि पूरा बुद्धा बनना इम्पॉसिबल है, लेकिन जब आप महायान बुद्धिज्म में जाओगे ना, तो महायान बुद्धिज्म में ये बोला गया कि पूरी तरीके से बुद्धा बनना पॉसिबल है अगर हम पढ़ के अपने आप को इनलाइटन कर सके, ये बोला गया है फ्रेंड्स आपका महायान बुद्धिज्म में। तो अभी हम एक काम करते हैं कि अब हम थोड़ा बहुत महायान बुद्धिज्म में भी एंट्री मारते हैं, देखते हैं कि भैया महायान बुद्धिज्म में क्या बोला गया है। तो नागार्जुन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था शून्यवाद, और ये शून्यवाद की थ्योरी महायान बुद्धिज्म के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, यानी कि जो महायान बुद्धिज्म का जो कंसेप्ट है ना वो शून्यवाद की थ्योरी से बहुत हद तक रिलेटेड है। तो जब हिनायन की हमने बात की तो भाई थेरावाडा आ गया, स्थर्विवाड आ गया या स्थविरा आ गया, यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए सविरास ये लिखा, तो ये तो था आपका हिनायन में। हिनायन को अब मैंने आपको बताया था कि भाई इसको स्मॉलर व्हीकल बोलते हैं, इसको लेसर व्हीकल भी बोलते हैं, डिफेक्टिव व्हीकल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा हिनायन ट्रेडिशन के बारे में फ्रेंड्स, या थेरावाडा ट्रेडिशन के बारे में, कि ये लोग आइडल वर्शिप में भरोसा नहीं रखते हैं, आइडल वर्शिप हिनायन में नहीं है। ये एक और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, और सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू इंडिविजुअल साल्वेशन को पाने की कोशिश जरूर करते हैं ये, लेकिन ये बुद्धा बनने की कोशिश नहीं करते हैं, ये अरहत बनने की कोशिश करते हैं। और हिनायन स्कॉलर्स ने ज्यादातर पाली लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट को लिखा है। अशोक ने हिनायन फॉर्म को थेरावाडा बुद्धिज्म को अपना सपोर्ट दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी बोले हैं, दिमाग पे अपने रखिएगा। वहीं पे जब मैंने महायान की बात की तो भाई ये ग्रेट व्हीकल है, तो जो बोधिसत्व वाला कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, अभी इसके आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो 8 सबसे इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो जो बोधिसत्व वाला कॉन्सेप्ट है वो है आपका महायान में। महायान के ऐसे बहुत छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं, जैसे जैन बुद्धिज्म है, फिर तिब्बतन बुद्धिज्म है, टियानटाई बुद्धिज्म है, प्योर लैंड बुद्धिज्म है, ये सब आपके महायान बुद्धिज्म के पार्ट है, ठीक है। महायान बुद्धिज्म में क्या करना है भाई, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट आपका हिनायन में भी हो रहा था, लेकिन महायान बुद्धिज्म में बात होती है यूनिवर्सल लिबरेशन की फ्रेंड्स। यूनिवर्सल लिबरेशन मतलब सिर्फ अपने आप को उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को उठाने की बात कर रहे हैं, पूरे मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं। इस महायान का जो बेसिक है ना, वो महायान का बेसिक ही साफ साफ ये बोलता है कि भैया देखिए कोई भी बुद्धाहुड को अचीव कर सकता है, अगर वो अपने एक्शंस को सुधार ले, अगर वो अपने दिमाग को सुधार ले, तो वो साक्य मनी बुद्धा बन सकता है। खास बात ये थी कि महायान ट्रेडिशन के लोगों ने ये बोला कि हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो सीधे सीधे या तो बुद्धा ने खुद अपने मुंह से बोला है या उनकी टीचिंग से इंस्पायर्ड है। सबसे पहले तो उन्होंने यही बात बोल दी। उसके बाद महायान मोटिवेशन क्या बोलता है कि हर कोई इनलाइटनमेंट को पा सकता है,
हर कोई साइक्लिक एग्जिस्टेंस से लिबरेट हो सकता है, निर्वाण पा सकता है, हर कोई बुद्धा बन सकता है अगर वो अपने कामों को सही तरीके से करता है, अपने दिमाग को भी ठीक तरीके से रखता है। जो बोधिसत्व का कंसेप्ट है ना फ्रेंड्स, वो आपका महायान बुद्धिज्म से निकल के आता है। ये महायान बुद्धिज्म आपका चाइना में भी फैला हुआ, हालांकि चाइना में कुछ और फिलोसफीज भी इसके साथ इंटरमिक्स हो गई हैं, वियतनाम में भी है, थोड़ा बहुत कोरिया में भी है, जापान में भी है, हर जगह पाया जाता है ये महायान ट्रेडिशन। फर्क तो आपको समझ में आ ही गया है फ्रेंड्स। तो महायान बात हुई यूनिवर्सल लिबरेशन की और हिनायन में बात हुई इंडिविजुअल लिबरेशन की। तो हिनायन इंडिविजुअल लिबरेशन और महायान यूनिवर्सल लिबरेशन, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ठीक है। थेरावाड़ा आपका हिनायन से रिलेटेड है, इस बात को भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। काम भर की चीजें मैंने बता दी। एक और इंपॉर्टेंट बात, महायान टेक्स्ट और महायान जो बुद्धिज्म थी उसकी जो मेन लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। तो यहां पे थोड़ा फर्क आ गया फ्रेंड्स, याद रखिए मैंने हिनायन की मेन लैंग्वेज आपको पाली बताई थी, महायान बुद्धिज्म में मेन लैंग्वेज कौन सी हो जाती है, संस्कृत हो जाती है, ठीक है। तो आपको हल्का फुल्का हिनायन के बारे में भी आइडिया लग गया, महायान के बारे में आइडिया लग गया। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था फ्रेंड्स, नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिए। अभी भी अगर आपने कुछ चीजें मिस कर दी हैं, आप वीडियो को पॉज करके शुरू से देख सकते हैं वीडियो को, चीजें समझ में आ जाएंगी और अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए। तंत्रायन पे आते हैं, इस तंत्रायन को आप वज्रायन भी बोलते हो फ्रेंड्स। तो आप चाहे तंत्रायन बोल लो चाहे वज्रायन बोल लो, लेकिन एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, तंत्रायन और वज्रायन में भी कुछ फर्क है। देखिए बुद्धिज्म इतने वाइड स्प्रेड रीजन में फैला और इतने अलग अलग उसके मैनिफेस्टेशंस निकले कि आपको तंत्रायन और वज्रायन में भी बहुत तरीके के फर्क मिल जाएंगे। हालांकि जो हमारा लेवल है, जिस लेवल पे हमको जाके चीजों को समझना है और चीजें सॉल्व करनी है, वो हमको थीसिस नहीं करनी है, हमको रिलीजियस स्कॉलर नहीं बनना। तो काम भर की चीजें बता रहे। तो जो महायान ट्रेडिशन था, तो जो महायान ट्रेडिशन में एक भाई नॉन तांत्रिक ट्रेडिशन निकला, एक तांत्रिक ट्रेडिशन निकला। तो जो तांत्रिक ट्रेडिशन निकला ना फ्रेंड्स, वो बन गया आपका तंत्रायन। तांत्रिक वाली चीजें जब वहां पे आने लगी वो तंत्रायन बन गया, या वो बन गया वज्रायन। तो जो फिलॉसफी थी तंत्रायन की महायान की सेम ही थी, बस तांत्रिक प्रैक्टिसेस आ गई आपकी तंत्रायन में। अब ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस क्यों आ गई? अच्छा एक बात और फ्रेंड्स, ये तांत्रिक प्रैक्टिस कोई भी नहीं कर सकता था। जो भी इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस को करना पड़ता था उसको एक क्वालिफाइड बुद्धिस्ट स्कॉलर से इसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। और खास बात यह थी कि तांत्रिक प्रैक्टिस का फायदा क्या था। देखिए ये तांत्रिक प्रैक्टिस किसी भी इंसान को साइकोलॉजिकली ये भरोसा दिलाने में बहुत इफेक्टिव होती थी कि वो बुद्धाहुड की तरफ बढ़ रहा है। आप पूजा कर रहे हो, आप बुद्धाहुड की तरफ बढ़ रहे हो, आप कैसे जानोगे कि आप बुद्धाहुड की तरफ बढ़ रहे हो? आप तब इस बात को जानोगे, मान लीजिए कोई तंत्र मंत्र कर दिया आपने, कोई तांत्रिक प्रैक्टिस कर दी, तो उससे आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा कि हाँ भाई हम बुद्धा बनने वाले हैं। और एक कांसेप्ट इस चीज से निकल के निकला कि जितनी जल्दी हम बुद्धा बनेंगे उतनी ही जल्दी हम बाकी लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धा का मेन एम क्या था? दूसरों को सिखाना, दूसरों की प्रॉब्लम को दूर करना। तो अगर हम तांत्रिक प्रैक्टिसेस के थ्रू जल्दी बुद्धाहुड के पास पहुंच जाते हैं तो हम उतनी ही जल्दी बाकियों की मदद कर पाएंगे, और इसलिए वज्रायन बहुत तेजी से बढ़ा, तांत्रिक ट्रेडिशन बहुत तेजी से बढ़ा। समझ के बात को फ्रेंड्स। तो ये जो तंत्रायन ट्रेडिशन था, वज्रायन ट्रेडिशन था, ये भूटान में फैला, तिब्बत में फैला, मंगोलिया में फैला, कुछ और कंट्रीज में भी ये क्या, इंडिया में लद्दाख रीजन में मिल जाएगा, सिक्किम रीजन में मिल जाएगा, नेपाल रीजन में भी हल्का फुल्का मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था इन सब चीजों के बीच में फर्क। आई होप फ्रेंड्स ये चीजें आपको समझ में आ गई, उतनी मुश्किल नहीं है। काम भर के डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं, ना ही मैंने कोई स्पेशल पीडीएफ यहां पे बनाई है, इसलिए मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स में इन चीजों को लिख लें, आपको काफी समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर इन वीडियोस को शेयर कर दें, इससे काफी मदद मिल जाएगी मुझे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।